दोस्त ने सुना पीएम मोदी के किस्से, मुझसे कहा था ऑफिस को ताला लगा दो, पार्टी का खर्च बच जाएगा, एक छोटे कमरे में बिताई रात। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन है। गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक के उनके सफर के बारे में आप काफी बातें जानते होंगे, क्योंकि उनकी कार्यशैली से लेकर उनके बचपन तक के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। लेकिन मोदी के राजनीतिक करियर की शुरुआत के दिनों से जुड़े कुछ हिस्से बहुत ही कम लोगों को पता है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर गुजरात के पूर्व कृषि मंत्री और इफ्को के चेयरमैन दिलीप संघानी ने भास्कर के साथ कुछ यादगार किस्से साझा किए। जानिए उन्हीं की जुबानी। 1996 में मोदी बीजेपी के महासचिव बनकर दिल्ली गए थे। साल 1996 में जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के महासचिव बनकर दिल्ली गए तो उन्हें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई। इस समय मुझे दिल्ली में रहने के लिए एक बंगला मिला क्योंकि मैं सांसद था। मैंने अपना यही बंगला मोदी को रहने के लिए दे दिया था। नरेंद्र मोदी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। वे हर माहौल के हिसाब से खुद को इतना मिला लेते हैं जैसे कि दूध में शक्कर मिल जाती है। उन्होंने कभी भी अपने पद को आगे नहीं रखा और छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक साथ मेल बिठाते रहे। एक बार नरेंद्र मोदी अमरेली में एक चुनाव प्रसार कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह मेरे साथ एक छोटे से कमरे में रुके थे। वह कमरा इतना तंग था कि बैठने तक की जगह नहीं थी। विश्राम के लिए एक ही कमरा होने पर भी नरेंद्र भाई ने वरिष्ठता नहीं दिखाई। उन्होंने किसी होटल में रुकने के लिए नहीं कहा और उसी छोटे से कमरे में पूरी रात बिताई। ऐसा ही एक और किस्सा है। उस समय नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए मेरी एम्बेसडर से जाया करते थे। मैं बहुत सावधानी से और धीमी गाड़ी चलाया करता था। तब नरेंद्र भाई मुझसे कहते थे कि तुम इतनी धीमी गाड़ी क्यों चलाते हो, 30-40 की स्पीड से हम हर एक जगह नहीं पहुंच पाएंगे। सभी जगह पहुंचने के लिए कम से कम 70-75 की स्पीड को तो पकड़ो। उनकी बात सुनकर मैं और कार में बैठे अन्य कार्यकर्ता भी खुश हो गए थे। इससे साफ था कि वे पार्टी के कार्यक्रमों के लिए कितने सजग थे। कहा, ऑफिस को ताला मार दो, पार्टी का खर्च कम जाएगा। नरेंद्र मोदी स्वभाव से बहुत हंसमुख हैं। जब मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ तो उस समय अमरेली के मेरे कार्यालय में पैसे की काफी कमी थी। मैंने नरेंद्र मोदी से कहा कि चुनाव प्रसार के लिए हमें तुरंत कुछ सहायता प्रदान करवाओ, नहीं तो ऑफिस को ताला लगाना पड़ जाएगा। इसके जवाब में उन्होंने हंसते हंसते कहा कि अच्छा है, ऑफिस को ताला मार दो, इससे पार्टी का खर्च बच जाएगा। यह सुनकर सभी कार्यकर्ता ठहाके मार हंस पड़े। हालांकि उस समय नरेंद्र मोदी ने तत्काल प्रभाव से वित्तीय सहायता प्रदान करवा दी। मैं चुनाव में जीत गया था और इसके बाद मंत्री भी बनाया गया। कभी अपने पद का घमंड नहीं किया। नरेंद्र मोदी के हमारे साथ पारिवारिक संबंध है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वे नियमित रूप से मेरे और मेरे परिवार के बारे में पूछते हैं। एक बार उन्होंने फोन पर मैसेज कर हमें सब परिवार भोजन के लिए अपने आवास पर आमंत्रित किया, लेकिन काम में व्यस्त रहने के चलते मैं उन्हें रिप्लाई करना भूल गया। नरेंद्र मोदी ने मेरी पत्नी को फोन किया और कहा कि दिलीप कुमार बहुत व्यस्त हैं, क्या जवाब नहीं दे रहे हैं। तब मेरी पत्नी ने उन्हें बताया कि छोटी बेटी मुंबई में पढ़ाई कर रही है, इसी के चलते अभी आना मुश्किल है। इस पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब भी बेटी के लिए समय अनुकूल हो तो उसके साथ सपरिवार आ जाना। इस तरह नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके मेरे और मेरे परिवार के साथ वैसे ही रिश्ते हैं जैसे पहले हुआ करते थे। आज तक उन्होंने कभी भी अपने पद का घमंड नहीं किया। यही बात उनसे सीखी जा सकती है। 72 साल पहले आज के ही दिन यानी 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। गांधीनगर से 73 किलोमीटर दूर वडनगर में वो पैदा हुए थे। 7 अक्टूबर 2001 को 51 साल की उम्र में बिना विधायक बने ही मोदी गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री बने। 4 महीने बाद फरवरी 2002 में राजकोट 2 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में पहली बार विधायक चुने गए। 22 सालों में 14 साल वे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अब 8 साल से प्रधानमंत्री हैं। कैसी लगी आपको प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। तब तक के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।